अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्लामिक टीचिंग चैनल पर खुश आमदीद। क्या घर में टेप रिकॉर्डर या टीवी पर कुरान पाक की तिलावत चलाने से घर पर इसका कोई फायदा होगा? क्या बगैर होंठ हिलाए कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलेगा? क्या कुरान पाक हिफ्ज़ से पढ़ना अफजल है या देखकर पढ़ना? अगर मोबाइल से देखकर कुरान पाक पढ़ा जाए इसका सवाब मिलेगा कि नहीं? दोस्तों, आज की वीडियो में कुरान पाक पढ़ने से मुतल्लिक बहुत से सवालात के जवाब बताएंगे। ऐसे सवाल अक्सर हमारे जहनों में आते हैं लेकिन हमें इनका कोई खास जवाब नहीं मिलता। टीवी, मोबाइल या कंप्यूटर पर कुरान पाक की रिकॉर्डिंग चलाना, अगर कोई अपने घर में या दुकान में कुरान पाक की रिकॉर्डिंग चलाता है तो इसे कुरान पाक पढ़ने का नहीं सिर्फ सुनने का सवाब मिलेगा। घर या दुकान में अगर बरकत की नीयत से कुरान पाक की रिकॉर्डिंग चलाई जाए इसे कुरान पाक पढ़ना नहीं कहा जाएगा और कुरान पाक पढ़ने से ज्यादा बरकत हासिल होती है। अगर आप में से कोई घर या दुकान में कुरान पाक की बरकत हासिल करना चाहता है तो इसे चाहिए कि वो खुद या और कोई इंसान कुरान पाक की तिलावत करे। रिकॉर्डिंग से कुरान पाक सुनने का सवाब मिलेगा। मिसाल के तौर पर हदीसे पाक है, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने घर को कब्रिस्तान मत बनाओ, बेशक शयातीन इस घर से भाग जाते हैं जहाँ सूरतुल बकरा पढ़ी जाती है। इस हदीस मुबारका से साबित होता है जिस घर में सूरतुल बकरा पढ़ी जाए तो वहाँ से शैतान भाग जाता है। अगर कोई शख्स अपने घर से शैतान भगाना चाहता है तो इसे अपने घर में खुद या किसी और इंसान से सूरतुल बकरा पढ़नी होगी। अगर रिकॉर्डिंग चलाई जाए तो ये काफी नहीं, रिकॉर्डिंग से सिर्फ सुनने का सवाब मिलता है। रिकॉर्डिंग की ही तिलावत को कुरान मजीद का पढ़ना नहीं कहा जाएगा। इसी तरह नमाज से पहले अजान दी जाती है, अगर कोई अजान की आवाज रिकॉर्ड करे और फिर अजान के वक्त वही रिकॉर्डिंग चला दे तो इसे अजान देना नहीं कहा जाएगा। लेकिन इसका ये मकसद नहीं कि रिकॉर्डिंग से फायदा नहीं होता। अगर कुरान पाक की रिकॉर्डिंग सुनी जाए तो कुरान पाक सुनने का अजर सवाब जरूर मिलेगा। यहाँ एक और बात काबिले जिक्र है, अक्सर ऐसा होता है कि गाड़ी में या घर में स्पीकर नीचे पड़े होते हैं या इन पर पांव भी रखा जाता है, ऐसी सूरत में इस स्पीकर पर कुरान पाक की तिलावत मत चलाएं। अगर कुरान पाक की तिलावत चलाई जाए तो इस स्पीकर पर तिलावत के दौरान पांव मत रखें। क्या अगर कोई मोबाइल से देखकर कुरान पाक की तिलावत करे तो क्या इसे अजर मिलेगा? क्या अपने हिफ्ज़ से जबानी कुरान पाक पढ़ने का ज्यादा सवाब है या देखकर पढ़ने का? कुरान पाक की तिलावत करते हुए अफजल ये है कि इंसान हर इस चीज का एहतमाम कर ले जिससे इंसान के खुशु में इजाफा हो। नाचे अगर जबानी पढ़ने से इंसान के खुशु में इजाफा होता है तो जबानी पढ़ना बेहतर है, और अगर देखकर पढ़ने से खुशु में इजाफा हो तो देखकर पढ़ना बेहतर है। इसी तरह अगर मोबाइल से देखकर खुशु में इजाफा हो तो फिर मोबाइल से देखकर पढ़ना बेहतर है। कुरान पाक के पढ़ने के सवाब का दारो मदार हाजिर कल्बी और गौरो फिक्र और तदब्बुर में है, यानी जिस तरीके से कुरान पाक में ज्यादा दिल से पढ़ा जाए और इसमें ज्यादा गौरो फिक्र किया जाए इस तरीके से ज्यादा अजर सवाब मिलेगा। इसी तरह कुरान पाक की तिलावत के दौरान होंठ हिलाने का मामला है, क्या तिलावत के दौरान होंठ हिलाना जरूरी है या दिल में ही तिलावत की जा सकती है, इसमें क्या बेहतर है? तो इसका जवाब भी वही है, कुरान पाक पढ़ने के अजर सवाब का दारो मदार इस बात पर है कि कौन कितने दिल से कुरान पाक की तिलावत करता है और कुरान पाक पर कितना गौर फिक्र और तदब्बुर करता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला का फरमान है, क्या वो कुरान पाक पर तदब्बुर नहीं करते या इनके दिलों पर तारे पड़े हुए हैं? अल्लाह ने कुरान पाक को गौर फिक्र से पढ़ने का हुक्म दिया और यही कुरान पाक पढ़ने का असल मकसद होना चाहिए। लिहाजा अगर जबानी कुरान पाक पढ़ने से ज्यादा गौर फिक्र और तदब्बुर और खुशू हो तो जबानी कुरान पाक पढ़ने का ज्यादा अजर सवाब है,
और अगर देखकर पढ़ने से ज्यादा खुशू और तदब्बुर हासिल हो तो देखकर पढ़ने का ज्यादा अजर व सवाब है। यहाँ एक और बात काबिले जिक्र है कि होंठ हिलाए बगैर दिल में कुरान पाक पढ़ने से तिलावत हो जाती है, लेकिन महज नजरें फेरना या जुबान से तलफ्फुज के बगैर दिल में पढ़ना काफी नहीं। लिहाजा दिल में तिलावत के लिए भी जरूरी है कि तलफ्फुज अदा किया जाए और सिर्फ नजर से देखना तिलावत में शामिल नहीं होगा। क्या मोबाइल में कुरान पाक डाउनलोड करना और सुनना जायज है, जबकि वही मोबाइल लेकर अक्सर वॉशरूम में भी जाते हैं? जिस मोबाइल में कुरान पाक डाउनलोड हो इसी मोबाइल को वॉशरूम में लेकर जाना कैसा है? क्या कुरान पाक की आयत मुबारका की रिंगटोन लगाना जायज है? अगर मोबाइल की स्क्रीन पर कुरान पाक है क्या इसे बगैर वजू के छू सकते हैं? आजकल के जदीद दौर में जैसे टेक्नोलॉजी में तरक्की हो रही है वैसे ही कुछ नए सवाल भी पैदा हो रहे हैं। ये ऐसे सवाल हैं जो लोगों के जहनों में तो आते हैं लेकिन इनको समझ नहीं आती कि इसका जवाब कैसे मिले। कुरान पाक को मोबाइल या कंप्यूटर पर डाउनलोड करना और मोबाइल और कंप्यूटर पर पढ़ना बिल्कुल जायज है। क्या कुरान पाक को मोबाइल या कंप्यूटर पर पढ़ने से भी इतना ही अजर व सवाब मिलेगा जितना हिफ्ज़ से या जबानी पढ़ने से, या कुरान पाक को सामने रख कर पढ़ने से मिलता है? याद रखें, कुरान पाक के अजर व सवाब का दारो मदार पढ़ने वाले की दिल की कैफियत और इस पर गौर व फिक्र और तदब्बुर करने पर है। यानी अगर कुरान पाक सामने रख कर पढ़ने से ज्यादा खुशू पैदा हो और ज्यादा तदब्बुर से पढ़ा जाए फिर कुरान पाक को सामने रख कर पढ़ने का ज्यादा अजर व सवाब मिलेगा। और अगर मोबाइल या कंप्यूटर पर कुरान पाक पढ़ने से ज्यादा खुशू पैदा हो और ज्यादा गौर व फिक्र और तदब्बुर पैदा हो तो फिर कंप्यूटर या मोबाइल पर पढ़ने से ज्यादा अजर व सवाब मिलेगा। क्या बिना वजू के मोबाइल पर कुरान पाक को छू सकते हैं? मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुरान पाक को बगैर वजू के छूने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि इस पर कुरान पाक के अल्फाज नहीं उभरते। इसलिए अगर मोबाइल पर कुरान पाक ओपन है तो इसे बगैर वजू के छूने में कोई हर्ज नहीं। मोबाइल पर कुरान पाक की रिंगटोन लगाना ठीक नहीं, क्योंकि एक तो रिंगटोन किसी भी जगह या किसी भी हालत में बज सकती है और दूसरा रिंगटोन एक शुगल की चीज है और कुरान पाक की तिलावत इंतहाई काबिले एहतराम है। कुरान पाक की तिलावत को बागौर सुनने का हुक्म है। कुरान पाक सुनने का अजर व सवाब भी तभी मिलता है अगर इसे गौर से सुना जाए। आजकल एक बात देखने में आई है, अक्सर लोग मोबाइल पर कुरान पाक की तिलावत चला देते हैं और खुद किसी काम में या खाने में मसरूफ हो जाते हैं। याद रखें, ऐसा करना कतन दुरुस्त नहीं। इससे वो लोग कुरान पाक को एक टाइम पास या शुगर की चीज बना देते हैं। हालांकि कुरान पाक को बागौर सुनने का हुक्म है। यहाँ एक और बात भी काबिले जिक्र है कि लोग कुरान पाक भी डाउनलोड करते हैं और साथ अपने मोबाइल में गाने फिल्में भी रखी होती हैं और मुख्तलिफ एक्ट्रेस की तस्वीरें भी होती हैं। अगर मोबाइल या कंप्यूटर पर कुरान पाक की तिलावत की वीडियो हो तो वहाँ गाने और फिल्में भी होती हैं। कोशिश करें जब कुरान पाक मोबाइल में हो वहाँ गाने न रखें। क्या अगर मोबाइल में कुरान पाक हो तो इसे लेकर बाथरूम जा सकते हैं? मोबाइल को बाथरूम में लेकर जा सकते हैं? मोबाइल या कंप्यूटर में कुरान पाक का होना असली कुरान पाक के जुमरे में नहीं आता। इसलिए अगर आप कंप्यूटर और मोबाइल की स्क्रीन पर कुरान पाक को छुएंगे इसका सवाब भी नहीं होगा, सिर्फ पढ़ने का सवाब होगा, जबकि असल कुरान पाक को छूने का अजर व सवाब भी मिलता है। कुरान पाक में एक और जगह अल्लाह ताला का फरमान है, हमने इसे तुम्हारी जानिब किताब नाजिल किया बाबरकत है ताकि वो इसकी आयात पर तदब्बुर करें और अकल वाले इससे नसीहत हासिल करें। कुरान पाक में बार बार गौर व फिक्र और तदब्बुर का कहा गया। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या समझे बगैर कुरान पाक पढ़ने वाले या सुनने वाले को सवाब मिलता है? कुरान पाक का मायनी समझ में ना भी आए तो भी कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है। हालांकि कुरान पाक को तदब्बुर से पढ़ने का हुक्म है और जब कुरान पाक की तिलावत की जाए तो खामोशी से गौर से इसे सुनने का हुक्म है। कुरान पाक को समझकर पढ़ना बेहतर है।
लेकिन अगर किसी को समझ ना भी आए तो फिर भी इसे पढ़ने का सवाब मिलता है। इसी तरह अगर कोई खामोशी से कुरान पाक की तिलावत सुनता है, चाहे इसे मतलब समझ ना आए, फिर भी कुरान पाक सुनने का अजर व सवाब मिलेगा। लेकिन मोमिन और मुसलमान के ये शायान शान नहीं कि वो कुरान की तिलावत करे और इसका मायनी और तर्जमा भी ना समझ सकता हो। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स तिब सीखना चाहता है, वो तिब की किताब पढ़े तो इस वक्त तक इससे मुस्तफीद नहीं हो सकता जब तक वो इसके मायनी न समझता हो। तो कुरान पाक के मुतालिक आपका क्या ख्याल है, जो कि अल्लाह की किताब है, लोगों के दिलों और सीनों की शिफा और लोगों के लिए वाज और नसीहत है कि इंसान इसे गौर व फिक्र और तदब्बुर के बगैर ही पढ़ता रहे और इसके मायनी को समझने की कोशिश ही न करे। मुसलमान होने की हैसियत से हमारा फर्ज बनता है कि हम पूरी कोशिश करें कि कुरान पाक को समझकर पढ़ें और इस पर अमल भी करें और अपनी जिंदगी कुरान पाक के मुताबिक गुजारें। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको कुरान पाक समझकर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। कुरान पाक पढ़ने से मुतल्लिक अगर आपके जहन में भी कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।